हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पैराजम्बल को कितनी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले IBPS PO का फ्री मॉक दिया था और मैंने उसमें जो पैराजम्बल जब अटेम्प्ट किया तो वो मैंने उसे बिना गलती के कर लिया, बिना किसी एरर के कर लिया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कैसे कर पाते हम। इसके लिए मैंने एक घंटे का पूरा की पूरा वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, लेकिन एक घंटे का वो पूरा की पूरा जो वीडियो है वो उस मॉक टेस्ट का है। और मेरे को पता है कि काफ़ी सारे लोग पूरा की पूरा मॉक टेस्ट नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने उस वीडियो में से वो पैराजम्बल वाला पार्ट उठा के डाल दिया है, जिससे आपको लाइव प्रूफ मिल सके कि मैंने किस तरह से वो IBPS PO का 2022 का जो मॉक था, लाइव मॉक, उसको मैंने कितनी जल्दी से और कितनी अच्छी तरह से सॉल्व किया, आपको पता चल जाएगा। वैसे उसमें टाइम लगाया मैंने, क्योंकि लोगों को समझाना होता है, कैसे बताना होता है, इसलिए मैंने उस मॉक को करते टाइम भी थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन इतना मोस्टली मुझे टाइम लगता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एवरीथिंग जो हम करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए होती है। तो आप कोई भी अगर पैराजम्बल उठाएं तो उसके बाद उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, कि जिस तरह से पहले मैंने किया उस ट्रिक को अपनाना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपसे वो सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि किसी भी पैराजम्बल को लेंगे तो उसके बाद उसके मीनिंग्स को समझना होता है। उसके लिए हमारी रीडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया था। ओके, ये आ गया अपना रीअरेंजमेंट का। सो पहले देखते हैं कि क्या इसका थीम क्या हो सकता है। ओके, इन एडिशन सम पेशेंट्स ट्रेवल टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन टू अंडरगो प्रोसीजर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर होम कंट्री। तो एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोसीजर्स इंक्लूड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट एंड जेंडर रीअसाइनमेंट ऑपरेशन। ओके, तो पी में बताया गया है कि जो पेशेंट है वो ट्रैवल करते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं टू फाइंड क्योर, ठीक है। बाकी सेकेंड क्यू में बताया गया है इनकंसिस्टेंसी इज द क्वालिटी ऑफ केयर, इज अ मेजर सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन द मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। अच्छा, तो इनकंसिस्टेंसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। इनकंसिस्टेंसी इज अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, ये भी पता चल गया। मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म। ओके, मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म, सर्जिकल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म इज इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग मेडिकल केयर। आर में बताया गया है कि मेडिकल टूरिज्म या फिर हेल्थ टूरिज्म या फिर सर्जिकल टूरिज्म या फिर मेडिकल टूरिज्म, ये चार दो दो बार क्यों आया है, इज इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर पर्पज ऑफ रिसीविंग, यानी कि टूरिज्म जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल टूरिज्म इसका मतलब होता है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा मेडिकल केयर प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया एस। मैनी पेशेंट्स एंगेज इन मेडिकल टूरिज्म बिकॉज द प्रोसीजर एज द सीक कैन बी परफॉर्म इन अदर कंट्रीज। अच्छा, ओके, एज द रिलेटिवली लो कॉस्ट विद एन इनकन्वीनियंस ऑफ बींग प्लेटेड ऑन अ वेटिंग लिस्ट। काफ़ी सारे जो पेशेंट होते हैं वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें बाहर जाके रिलेटिवली लो कॉस्ट मिले और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं वेटिंग का दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब बचा लास्ट ST बचा। अनदर इशू इन मेडिकल टूरिज्म कंसर्न द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गन। ओके, ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग जो होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। अब अगर अपन देखा जाए तो थीम तो ये लग रहा है कि ये मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि क्यों वैसे इनकंसिस्टेंसी मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात ये कर रहा है, लेकिन ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहा है। सबसे पहले उसको मेडिकल टूरिज्म या फिर ये सब चीज़ों को बताना पड़ेगा, इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट सबसे लास्ट में आएंगे। पहले कौन सा चीज़ है जो मेडिकल टूरिज्म के बारे में बता रहा है? ये तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में, ये भी नेगेटिव पॉइंट आता है। बाहर लोग कराते हैं रिलेटिवली लो कॉस्ट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। मेडिकल टूरिज्म आर बता रहा है ना शायद, हाँ तो आर बता रहा है, तो इसको हो सकता है कि आर से स्टार्ट करें, लेकिन अभी अपन दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ओके, इनकंसिस्टेंसी जो क्यू वाला है ये भी नेगेटिव बता रहा है,
ये नेगेटिव बता रहा है, ये रिलेटिवली ये पॉजिटिव बता रहा है, ये तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है, और ये पहला क्या था? इन एडिशन टू सम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, इन एडिशन, तो ये तो हो नहीं सकता स्टार्टिंग का, तो आर ही है स्टार्टिंग का, ये तो पक्का हो गया। सम पेशेंट ट्रेवल टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन टू अंडरगो प्रोसीजर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर होम कंट्री, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो सबसे पहले तो हम आर से स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि ये हो गया मेडिकल टूरिज्म के बारे में, तो इसको कट कर देते हैं एक बार, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकंसिस्टेंसी वाला भी नहीं आएगा, मैनी पेशेंट एंगेज इन मेडिकल टूरिज्म, ओके, तो हाँ क्योंकि ये आ गया आर से हो गया। इसके बाद में एक हमें तो ऐसा आ सकता है, क्योंकि अब वो मेडिकल टूरिज्म के बारे में बता रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म में लोग जो है, पेशेंट्स जो है वो क्यों जाते हैं, तो ऐसा आ सकता है। अंडरगो प्रोसीजर दैट आर नॉट अवेलेबल, ओके ओके ओके, तो ऐसे ही आएगा दोनों में आर एस, ठीक है चलो ठीक है आर एस, तो एस को भी हटाओ, पॉजिटिव बता दिया इसने मेडिकल का, बाहर क्यों जाते हैं। अब ये है कि इनकंसिस्टेंसी और ऑर्गेजम फेलियर है, और ये इन एडिशन वाला पॉइंट आ रहा है, अनदर इशू, तो ये जो टी पॉइंट है ये अनदर इशू से स्टार्ट हो रहा है, इसका वर्ड है अनदर इशू, तो इसको नहीं करेंगे, टी नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंसीज मेडिकल, अब नेगेटिव, सम पेशेंट ट्रेवल, ओके, ये एस वाले में बताया था कि मैनी पेशेंट एंगेज इन मेडिकल टूरिज्म, और इसके एडिशन में तो पी आएगा, आर एस पी आएगा, इसको अभी छोड़ देता सेकेंड पॉसिबिलिटी को, आर एस पी। अब देखो इससे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, आर एस पी और आर एस पी, बिल्कुल आर एस पी। इनकंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, हाँ ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। अब क्या है कि दोनों नेगेटिव है ना, अब इन दोनों में से कौन सा वाला चूज करें, क्यू वाला या फिर ये वाला, तो अब क्या है कि टी में जो है अनदर इशू लिखा हुआ है, तो टी हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई एक इशू भी डिस्कस करना पड़ेगा जो कि क्यू में आएगा। अनदर इशू इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें अनदर इशू नहीं लिखा है, तो ये पहला इशू होगा, ये अनदर इशू होगा, तो आर एस पी क्यू टी, ओके। वॉट बी द लास्ट सेंटेंस, और ये अगर एक बार वापस पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, आर से स्टार्ट करते हैं। मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्थ टूरिज्म, सर्जिकल टूरिज्म, इंटरनेशनल मेडिकल केयर, ठीक है। मैनी पेशेंट एंगेज इन मेडिकल टूरिज्म बिकॉज इतन ये लो कॉस्ट होती है, पी वाले में था, इन एडिशन काफ़ी इसीलिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ इंडिया में हो ही नहीं सकती, इस वजह से बार बार जाते हैं। क्यू इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटीज केयर ऑफ मेजर, ये इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेजर प्रॉब्लम आती है। और टी अनदर इशू इज मेडिकल टूरिज्म कंसर्न इलीगल ट्रैफिक ऑफ ऑर्गन्स, ओके, तो ये हो गया आर एस पी क्यू टी, लास्ट सेंटेंस टी आएगा। थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, 1 2 3 पी आएगा, देखते हैं कितना सही कितना गलत, लेकिन अभी तो करें। फोर्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट क्यू, सेकेंड आफ्टर रीअरेंजमेंट एस, यार मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, फर्स्ट क्या है आर, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने उस पैराजम्बल को किस तरह से अटेम्प्ट किया, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट उठाया जो पहला पहला पॉइंट था, उसको मैंने समझा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने उसको पूरी अच्छी तरह से उसका जो समरी है, उसका जो पॉइंट है वो सब लिख दिया। उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट पॉइंट को, क्यू पॉइंट को उठाया, और वो क्या कहना चाहता है, सेपरेट करना है, पी को अलग रखना है, क्यू को अलग रखना है, ये उनको मिक्स नहीं करना, पहले पी को उठा के उसकी समरी लिख दो अलग से, फिर क्यू को उठा के उसकी समरी लिख दो, वो आर में क्या कहना चाहता है, एस पॉइंट में क्या कहना चाहता है, टी पॉइंट में क्या कहना चाहता है, उन सब पॉइंट्स को अलग अलग रखो, उसके बाद सोचो कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है जो उन सब में कॉमन है, या फिर अगर कॉमन नहीं है तो मोस्टली जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे कहते हैं हम थीम ऑफ द पैसेज या फिर थीम ऑफ द पैराजम्बल। जैसे कोई भी स्टोरी होती है, मान लीजिए जैसे घड़े घड़े और कौए की स्टोरी है, जो वो उसमें पत्थर डालता है, थर्स्टी क्रो वाली जो स्टोरी है, तो उसमें क्रो के बारे में हर जगह बात की जाएगी किसी भी लाइन में, तो वो एक स्टोरी है जिसमें क्रो के बारे में बात की जा रही है,
वैसे ही मान लीजिए अगर किसी राजा की स्टोरी है तो ऑब्वियसली उस राजा की बात की जाएगी, और मतलब इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी उस राजा के बारे में। तो इसी तरह से होता है पैरा जंबल, उसमें काफ़ी बार स्टोरीज़ होती हैं, काफ़ी बार स्टोरीज़ नहीं होती। तो जैसे मान लो कोई टफ पैसेज आ गया, जैसे कि आजकल के वॉर पे या फिर आजकल जो भी जियोपॉलिटिक्स हो रही है उस पे भी कोई पैसेज आ गया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ होगी जिसकी थीम पे वो पूरी की पूरी स्टोरी, वो पूरी पूरा पैरा जंबल जो है वो बेस्ड होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट कि उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर जगह कॉमन आ रही है वो निकालनी है। तो जैसे कि मैंने इस पैसेज में किया तो मेडिकल टूरिज्म पे, यानी कि लोग जब अपने आप सही नहीं होते या फिर लोगों को सही तरह से चीज़ें नहीं मिलती, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती, तो वो दूसरी जगह जाते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए गए थे हर एक पॉइंट में, ऐसा देखने को मिल रहा था, आपने प्रूफ देखा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पी पॉइंट उठाया, फिर क्यू पॉइंट उठाया, उसमें आपको मिल गया, थीम मिल गई, आपके दिमाग में बैठ गया कि हमें मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड कुछ बताना है। अब क्या है कि मैंने सबसे पहले आर पॉइंट क्यों लिया, आर पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें मेडिकल टूरिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। सॉरी अगर मैं फंबल कर जाऊँ कभी कभी, तो मेडिकल टूरिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि वो चीज़ होती क्या है, मेडिकल टूरिज्म क्या चीज़ है। तो उसमें जब पहला पॉइंट था, मैंने आर में से पता लगा लिया, मैंने बाकी सारे भी पढ़े लेकिन मुझे मेडिकल टूरिज्म को एक्सप्लेन करने वाली जो लाइन थी वो कहीं बेटर नहीं मिल रही थी, तो मैंने आर लिया। हमेशा पॉजिटिव की बात पहले होती है और उसके बाद नेगेटिव की बात होती है, ये बहुत जगह कॉमन होता है, कभी भी कोई नेगेटिव की बात पहले नहीं करेगा क्योंकि वो एक थीम है, थीम के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है थीम को, और थीम के इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसके नेगेटिव्स और उसके पॉजिटिव्स इस तरह से, मतलब पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव पे जाया जाता है। तो हमने थीम इंट्रोड्यूस करा ली, चलो ठीक है मेडिकल टूरिज्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है क्या, मतलब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया तो सब इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सब इंट्रोडक्शन के बाद कौन से पॉजिटिव पॉइंट आएंगे वो आपको पढ़ने से मालूम चलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स, अब नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे दो थे, तो सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट था उसमें नॉर्मली नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था अनदर इशूज़, तो अनदर इशूज़ वाले को लास्ट में लिखा जाएगा। ऑब्वियसली ग्रामर का रूल है कि अनदर लिखा हुआ है यानी कि सेकंड चीज़ है वो, तो उससे पहले ऑब्वियसली कोई कुछ लगना चाहिए, तो अनदर इशू है तो यानी कि कोई पहला इशू भी पहले आना चाहिए, तो वो पहला इशू हमने पहले लिखा और अनदर इशू बाद में लिखा, इस तरह से हमारा ये कम्प्लीट हो गया, इस तरह से हमारा पैसेज कम्प्लीट हो गया। सो अभी इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को बेटर करना है। सो मिलते हैं सेकेंड क्लास में, बाय।